हेलो डियर फ्रेंड्स, एलन्स की नोट के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में एक्यूट फेजेस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बहुत क्विकली अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं और एक्यूट सिम्टम्स को बेस बनाकर हमें मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। आज हम की नोट्स प्रिस्क्रिप्शन को सीखेंगे कि किस तरह से दो बहुत सिमिलर रेमेडीज को जब हम क्लोजली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर उनमें से कुछ करैक्टर्स को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो रेमेडीज को बड़ी इजीली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। आर्सेनिक एल्बम के बारे में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली होगी, मगर एक ऐसी दवाई है जो आर्सेनिक के बिल्कुल सिमिलर है बट आर्सेनिक से डिफरेंट है। आर्सेनिक के सिमिलर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करें तो इस सिंपल कफ को लेते हैं। कफ में एग्रेवेशन है नाइट, बट आर्सेनिक की जो एग्रेवेटिंग पीरियड है वो पर्टिकुलर है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसके बिटवीन जो आर्सेनिक की एग्रेवेशन है कफ की, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बट अगर उसके दौरान हम एक और रेमेडी है, अरेलिया रेसिमोसा को अगर हम आप डिस्कस करते हैं या आप उसको स्टडी करते हैं तो आप ये जानेंगे कि अरेलिया रेसिमोसा बहुत सिमिलर है आर्सेनिक के। जैसे आर्सेनिक को लेटने से एग्रेवेशन है, वैसे अरेलिया रेसिमोसा को भी लेटने से एग्रेवेशन है। जैसे आर्सेनिक को रात को एग्रेवेशन होती है, वैसे अरेलिया रेसिमोसा भी है जिसे रात को एग्रेवेशन होती है। बट डिफरेंस क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये आर्सेनिक है और ये अरेलिया रेसिमोसा है? फर्क ये है कि अरेलिया रेसिमोसा की जितनी कंप्लेंट है वो बिफोर मिडनाइट है, बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले पहले अगर कंप्लेन वर्स्ट रहती है तो आप अरेलिया रेसिमोसा के बारे में सोच सकते हैं। यहां दो दवाइयां और हैं, वो है ड्रोसेरा और लैकसिस। ये तीन दवाइयां हैं जो मिडनाइट, बिफोर मिडनाइट इनकी कंप्लेन रहती है। जो लैकसिस है वो तो जैसे ही स्लीप में जाता है उसकी एग्रेवेशन होनी शुरू हो जाती है। अरेलिया रेसिमोसा बिफोर मिडनाइट, आधी रात के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक जो है वो आफ्टर मिडनाइट, यानी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उसकी कंप्लेन वर्स्ट हो जाती है। सिमिलर सिम्टम है, लेटने से बढ़ती है कंप्लेन दोनों को, बट ये माइन्यूट डिफरेंस है। अगर आप इससे जान लेते हैं तो आप दोनों दवाइयों को बड़ी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सिम्टम। और ये फिजिकल सिम्टम नॉर्मल नहीं है, दे आर अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम, क्योंकि एक एग्रेवेटिंग पीरियड में जब कंप्लेंट्स आती हैं तो हमें दो सिमिलर रेमेडीज को डिफरेंशिएट करना होगा। दूसरी बात, यहां पर एक चीज और है जो अरेलिया रेसिमोसा के फेवर में जाती है, वो है द लीस्ट करंट ऑफ एयर कॉज स्नीजिंग एंड कॉपियस वॉटरी एक्सपेक्टोरेटिंग नीजल डिस्चार्ज विथ सॉल्टी एंड टेस्ट।
हल्का सा भी हवा का झोंका, हल्की सी भी हवा, ठंडी हवा इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये रेमेडी जो एलर्जिक रेनाइटिस के पेशेंट हैं उनके लिए सबसे उत्तम है। हल्की सी भी हवा पेशेंट में कोराइजा क्रिएट कर देती है। और बहुत सारे पेशेंट आपको आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मुझे ठंड लग कैसे गई, हल्का सा भी मैं बाहर चला जाऊं, हल्की सी मुझे हवा लग जाए तो मुझे छींके शुरू हो जाती हैं, और छींके इतनी ज्यादा कि पूछो मत। बहुत सारे पेशेंट आपको ये बोलेंगे, बट हमें यहां पर एक और रेमेडी से डिफ्रेंशिएट करना होगा, वो है ट्यूबरक्लिनम। ट्यूबरक्लिनम में पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मैं बाहर गया और मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मुझे कब ठंड लग गई। अगर ये कंप्लेन रिपीट होती है, आपने अरेलिया रेसिमोसा दी, पेशेंट ठीक हो गया, हर फिर तीसरे दिन वो आता है कि डॉक्टर साहब मुझे फिर ठंड लग गई, बट यहां पर कुछ अगर हम हैनिमन की क्रॉनिक डिजीज को पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने कहा है कि अगर ये कंप्लेन बार बार रिपीट होती है देन यू हैव टू थिंक अबाउट मियाजमेटिक रेमेडी। तो हमें यहां पर उसको मियाजमेटिक रेमेडी देनी होगी। और ये स्यूडोसोरा है, स्यूडोसोरा में आप ट्यूबरक्लिनम को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ट्यूबरक्लिनम इस पेशेंट को बड़ी ईजली रिकवर कर देगी। यहां पर एक रेमेडी और है जिसे हमें और डिफ्रेंशिएट करना होगा जो सिमिलर है इन दोनों दवाइयों के, वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में रेस्पिरेटरी कंप्लेंट मिडनाइट से लेकर मॉर्निंग तक जाती है, आधी रात से डॉक्टर साहब आधी रात से खांसी छिड़ी है और सुबह तक इसने मेरा बुरा हाल कर दिया। अगर आप पाठक रिपर्टरी खोलेंगे तो उसके अंदर कफ का सेक्शन है, कफ मिडनाइट एट और टू मॉर्निंग, आधी रात से लेकर सुबह मॉर्निंग तक कफ खांसी बहुत ज्यादा खांसी, ये रस्टॉक्स है। और जो अरेलिया रेसिमोसा है, अरेलिया रेसिमोसा में इंस्पिरेशंस जो है वो लाउडर होता है, डिफिकल्ट होता है, और ये एक्सपीरेशन से ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादातर जो कंप्लेंट्स होती हैं, ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट होती हैं उसमें सांस लेने में दिक्कत ज्यादा आती है, छोड़ने में कम आती है, डॉक्टर साहब सांस ली नहीं जा रही, बाहर अच्छे तरीके से आ जाती है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन डिफिकल्ट है यहां पर और लाउडर है। अगर लाउडर आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, इट मींस देयर इज अ म्यूकस इनसाइड द ब्रोंकाइटिस। ये एक्यूट फेज है। और इसके एक रेमेडी और है जिसे हम यहां पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो है कोरालम रूब्रम, जिसमें बिल्कुल ऑपोजिट है अरेलिया के। यहां पर इंस्पिरेशन इजी होता है, एक्सपिरेशन डिफिकल्ट होता है, दिस इज यूनिक। मैक्सिमम केसेस में आपको इंस्पिरेशन जो है सांस लेने में डिफिकल्टी पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में दिक्कत है, बट यहां पर सांस छोड़ने में दिक्कत है, जो कि बहुत सारे पेशेंट में, मैक्सिमम पेशेंट में आपको नहीं मिलता, किसी किसी पेशेंट में, रेयर पेशेंट में मिलता है कि सांस छोड़ने में दिक्कत है, मुझे सांस मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं पा रहा, मुझे दिक्कत होती है सांस छोड़ने में, सांस लेना इजिली है। तो कोरालम में सांस छोड़ने में दिक्कत है, सांस आ इजली जाती है। तो लेइंग ऑन एनी साइड विल एग्रावेट दैट साइड, बट ऑपोजिट साइड इज फीलिंग गुड। यहां पर रेस्पिरेशन में एक और चीज हमें जोड़नी होगी कि
कोरालम जो सॉरी एरेलिया रेसिमोसा है, जिस तरफ भी लेटता है उस तरफ उसकी एग्रेवेशन बढ़ जाती है। एक रेमेडी और है आर्निका। आर्निका में क्या होता है कि वो जिस तरफ लेटता है वो तरफ उसको हार्ड फील होती है, तो वो उसको टर्न करता है, ऑपोजिट साइड में चला जाता है। तो यहां पर सिमिलर सिम्टम है एरेलिया रेसिमोसा में, जिस तरफ वो सोता है उस तरफ उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऑपोजिट साइड ठीक हो जाती है। सो ये की नोट, ये ऐसे की नोट्स हैं जिनको अगर आप अपनी प्रैक्टिस में शामिल करते हैं तो ये डॉक्टर हैनेमन द्वारा जो एफोरिज्म नंबर 153 में कहा गया है कि टोटेलिटी ऑफ सिम्टम के बाद जो सिम्टम, ग्रैंड सिम्टम आपको ढूंढने हैं वो अनकॉमन पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक सिम्टम होने चाहिए, उन्हीं के ऊपर हम अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये वो सिम्टम्स हैं, ये वो की सिम्टम्स हैं जिनके बेस पर हम बिल्कुल माइन्यूटली रेमेडीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और एक सिमिलर रेमेडी पेशेंट को दी जा सकती है। और एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, फेसबुक पर बहुत सारे लोग क्वेश्चंस डालते हैं कि आप मुझे इस दवाई के बारे में बताइए, इस दवाई के बारे में बताइए। जितनी देर तक केस क्लियर नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती। सो कंप्लीट केस के लिए पेशेंस एक होम्योपैथिक डॉक्टर में बहुत बहुत होनी चाहिए। जब आप केस ले रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस बहुत होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पल, किसी भी मोमेंट आपको यूनिक करेक्टरिस्टिक अनकॉमन चीजें मिल सकती हैं। वो अनकॉन्शियसली भी हो सकती है और कॉन्शियसली भी हो सकती है। वो पेशेंट के शब्दों में भी हो सकती है, पेशेंट की एक्टिविटी में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आपके पास आ रहा है और बच्चा है छोटा, एंड ही कॉन्स्टेंटली होल्डिंग हिज जेनिटेलिया। वो आपको नहीं बताएगा कुछ भी, बट ये की सिम्टम्स हैं पेशेंट के। ये ऐसे की सिम्टम हैं जो सिर्फ देखने से पता चलेंगे। पेशेंट आ रहा है आपका आपके पास और वो इस तरह से लेटा है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं ऐसे लेटता हूं तो मुझे रिलीफ मिलता है, तो आपको इस सिम्टम को छोड़ना नहीं है। ये वो यूनिक सिम्टम है जो आपकी मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो मोडेलिटी है, जैसे कि जो डॉक्टर भोगर की सिनेप्टिक की है, उसके जो फर्स्ट पेज 3-4 पेज हैं उसको बहुत डीपली पढ़िए। उसमें लिखा है कि जब सबसे पहले आपको एविडेंट कोज ढूंढना है पेशेंट में कि उसको ये प्रॉब्लम हुई कैसे। अगर वो नहीं मिलता देन वी हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोडेलिटी। आपके पास स्ट्रॉन्ग मोडेलिटी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मोडेलिटी आपकी दवाइयों को डिफ्रेंशिएट करेगी और कुछ ऐसी मोडेलिटीज आपको मिलेंगी जो डायरेक्ट आपकी मेडिसिन की तरफ इंडिकेशन देंगी। तो इस डिफ्रेंशिएट को सीखने के लिए आपको लगातार किताबों को पढ़ना है, लगातार बुक्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप दवाइयों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और डिफ्रेंशिएशन सबसे मुश्किल है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, क्योंकि इमीडिएटली आपको आपका डिसीजन लेना है,
और डिसीजन आपको जो मिला है, जो सिम्टम्स मिले हैं, उन्हीं के बेस पर हो सकता है। दूसरी चीज, और एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन बड़ी इजी है, बट होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन अंडर रूल एंड रेगुलेशन सबसे डिफिकल्ट है। आप दवाइयां दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बट रूल एंड रेगुलेशन के अंडर रहते हुए, रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई करते हुए दवाई को देना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये नहीं सिखाया जाता और ये हम प्रैक्टिस में भी नहीं लाते। रूल्स क्या हैं हमारे, हमें मेडिसिन को सिलेक्ट तो कर लिया, हमें सिम्टम्स ले लिए, हमें टोटैलिटी ऑफ सिम्टम ले लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है रेमेडी की सिलेक्शन। रेमेडी की सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद है पोटेंसी की सिलेक्शन। पोटेंसी कैसे ढूंढेंगे, फिर अगर अपने पोटेंसी भी ढूंढ ली तो उसको प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसमें से कौन सी पोटेंसी को हमें यूज करना है और डोजेस क्या है, लॉ ऑफ मिनिमम को कैसे हमें अप्लाई करना है, लॉ ऑफ मिनिमम को किस तरह से अप्लाई करेंगे और कौन सी पोटेंसी को किस डोज में दिया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इससे सीखने के लिए आपको हैनिमन को पढ़ना होगा और ये मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, कि हमें पोटेंसी के बाद कितनी डोजेस जो है वो किस लेवल पर अपने पेशेंट्स को देनी है और लॉ ऑफ मिनिमम को अप्लाई कैसे करना है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है। इसके ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी सवाल हो जो आपको समझ में ना आया हो, आपको उसको अप्लाई करने में डिफिकल्टी आ रही हो, तो आप अपना क्वेश्चन जरूर रखिए, हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो। और दूसरी बात, अगर सवाल नहीं उठते तो इट मींस कि हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि जहां पर हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना है वहां पर उनके ऊपर क्वेश्चन भी उठेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी चीज़ों को बड़ी ईजिली समझ आना ये बहुत डिफिकल्ट है एक ह्यूमन ब्रेन के लिए। तो हमें उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ने से हमें उसके अंदर की जो क्लियरिटी है, उसके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है वो समझ में आता है। और जब वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं तो जो प्रैक्टिस है वो इजी हो जाती है। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, हम उनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जितने न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी प्रैक्टिस शुरू करनी है या अभी अभी प्रैक्टिस में आए हैं, उनके लिए ये जो स्टेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन सीखना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करके अपनी सिमिलर रेमेडी पेशेंट को देनी है, ताकि हम रिजल्ट्स ले सकें, ताकि हम पेशेंट को ये दिखा सकें कि होम्योपैथिक किस तरह से क्विकली वर्क करती है। थैंक यू।